लड़के का नाम क्या बताया जी? मैडम जी, लड़के का नाम क्या है? रॉकी। रॉकी क्या? राउडी। कल पैदा नहीं हुआ था, मुझे मत बता कि क्या करना है। मना किया है। छुप क्यों रहा है? आज सामने निपटते हैं आपस में। आ जा निपट ले। मैं आ गया। अब देर मत करो सर, कायदे के मुताबिक मेरी जीत का ऐलान करो। सर सारी मीडिया आई हुई है, मैच का फैसला जल्दी ले लो सर, मुझे भी तो जवाब देना है। रॉकी को डिस्क्वालिफाई करके फैसला लड़के के हक में दे दो। नहीं, डिस्क्वालिफाई मत कीजिए सर, रॉकी बस पहुंच ही रहा है, मेरी अभी बात हुई है। डिस्क्वालिफाई मत कीजिए सर, स्टेट फाइनल है। और भाई पटियाला वालों, पड़ गई शांति हैं? अरे कहाँ उड़ गया तुम्हारा ज्यादा उड़ने वाला लड़का? बे तू क्यों शांत है? क्यों रे, आज चेक करने का मन नहीं कर रहा हैं? अबे ओए ओए केले खाने वाले, कहीं मेरा थप्पड़ मत खा लेना। सिर से लेके पांव तक छील दूंगा, तेरे जैसे बंदर को छोड़ता नहीं मैं। ओए ज्यादा नहीं भौंक रहा तू, मेरी मान तो सबसे पहले उसे जाकर संभालना जिन्हें मैच जीतने की जल्दी हो रखी है, और वैसे भी फैसला होने ही वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि पहले ही बेचैनी में बेहोश होकर गिर जाए। और वैसे भी रॉकी आज ऐसी धूल चटाएगा तुम सबको कि याद रखोगे। बे वो आज चींटी भी नहीं मार पाएगा, और उसकी तो तुम लोगों को परछाई भी नहीं मिलने वाली। चल आजा, आजा, मैं इधर ही खड़ा हूं, मैं भी तो देखूं उसमें कितना दम है। सतबीर मिला था कल मुझे, वो बोला ये बाजी मार लेगा। तुम जैसा डरपोक नहीं देखा, औरतों की तरह चूड़ियां पहनो और छुप जाओ कहीं।
मेरी अपनी रिटायरमेंट को कुछ 2 साल रह गए हैं सेखो साहब। सोचा था ये भी ठीक ठाक निकल जाएंगे, पर बाबुओं का हुक्म था, उनकी बात मेरे सिर माथे। नौकरी है जी, नौकरी में कैसा नखरा। सेखो साहब, मैंने आपको 1-2 दिन में फोन करना ही था। अच्छा किया जो आप खुद ही आ गए। ये पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, आपके लिए भी और फेडरेशन के लिए भी। फेडरेशन को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। आपने जो इस इदारे को और बॉक्सिंग को जो दिया है उसे तो सारा मुल्क जानता है, पर आपके नाम पर जो धब्बा लगा है उसकी वजह से हम सभी बहुत। मेरी फेडरेशन में कुछ महीनों की तनख्वाह बाकी है, ये उसकी अर्जी देने आया था। डोपिंग स्कैंडल में बदनाम हुए वरयाम सिंह सेखो से बॉक्सिंग फेडरेशन ने इस्तीफा लिया। इंडियन बॉक्सिंग कोच वरयाम सिंह सेखो डोपिंग के इल्जामों से घिरे। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स की फाइनल टीम सिलेक्शन के कुछ ही पल पहले एक शर्मनाक डोपिंग स्कैंडल में फंस गई। प्लेयर्स आपको बहुत याद करते हैं सर, गेम को आपकी जरूरत है। गेम को तो जिंदगी दे दी। रॉकी अपना किया भुगत रहा है सर, उसके हालात के लिए आप जिम्मेदार नहीं। ये इंडिया कैंप है, तेरे गांव का अखाड़ा नहीं। यहां प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं, तू इस कैंप के लायक नहीं। जा, जाकर पार्कों कॉलेजों में अपना जाटपना दिखा, दबा हो जा यहां से। आउट आउट आउट। भूकंप आ गया, छत गिर गई मेरे भाई, अब क्या होगा? अबे रुक जा। ओए क्या? ओ रॉकी छोड़ यार, मुझे कूद जाने दे, हमारी छत गिर जाएगी। भले ही आसमान गिर जाए पर तुझ पर एक खरोच नहीं आने दूंगा। अरे रॉकी मलबे में दब जाऊंगा यार। अब मर्द बन यार, क्या मजाक लगा रखा है। ओ प्रीत मेरी जान, साले में मजाक कर रहा था। अबे कैसा दोस्त है यार तू, जान निकाल दी मेरी। अबे टाइम देख के तो मजाक कर लिया कर, तू ज्यादा ही हद पार कर लेता है रॉकी। हद पार की पर तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ यार। ओए रॉकी मुझे छोड़ दे यार, ओए मुझे कूद जाने दे, हमारी छत गिर जाएगी यार। सुबह सुबह मेरे मुंह से क्यों गाली सुनना चाहता है? ना मेरी जान ना, गाली मत देना। पास मत बैठ मेरे, नहीं तो लात मारूंगा खींच के। अरे तो बैठना भी कौन चाहता है, आलसी छिछोरा। अब नखरे छोड़ और उठ, रनिंग पर चलते हैं। तेज। चल।
Ortiz, Ortiz! Hey, 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 did you see that? Oye, oye! हवा तेज है, कहीं चोट ना लग जाए। मेरा ये जो भाई है ना, इसे किसी बात का डर नहीं। बॉक्सर तो बहुत से हैं, हवा में मुक्के मारने वाले पहली बार देखे। इसे कहते हैं खालिस देसी भाषा में सिर्फ भौंकते रहना। गाड़ियों के पीछे भौंकते हुए तो बहुत से देखे थे, पर गाड़ी में बैठकर भौंकने वाला पहली बार देखा। Hey, what the hell? वो चेहरा दिखा। तू ठीक तो है? लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ यार। I'm seriously done with these house parties, man. Ibs, क्या हम दिल्ली चलें? मुझे अपना विंटर वाला वार्डरोब भी अपडेट करना है, you know. So, seriously? ये जो तो इतनी हवा में उड़ती है ना, जुबान चलाना छोड़ और हाथ चलाना सीख। कहीं हम जैसे मिल गए तो मुकाबला करने लायक रहेगी। मेरी सलाह पर गौर देना। अच्छा जी, कोई और सलाह? अपने हीरो को पल्लू में बांध के रख, वरना मुंह की खाएगा। ओए, हाथ कैसे लगाया तूने? मेरे मुक्के सिर्फ हवा में नहीं चलते, हवा से बातें करते हैं। इसे मैं अच्छे से समझा सकता था भाई, मैं बात कर रहा हूं ना। थोड़ा और ज्ञान चाहिए है तो बता, बहुत है मेरे पास। रॉकी, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए यार। मैं तो कहता हूँ एक-एक और लगा लेते हैं। मेरी तो पहले ही ज़्यादा हो गई है। और चल। मनिंदर, मनिंदर, are you okay? भाई साहब, रोज तक तक एक छोरा है, बोलू। कौन सा कमरा है उसका? पता नहीं भाई साहब। 6 साल तक आड़े रवा है, फिर भी कोई नहीं जानता उसने। भाई साहब, रोज तक का एक छोरा है बोलू। मुझे पता नहीं यार। 6 साल तक आड़े रवा है, कोई नहीं जानता उसने। अरे ओ, रोज तक का एक बालक सा है बोलू। कौन सा कमरा है उसका? 6 साल तक इस हॉस्टल में रवा है, कोई नहीं जानता उसने। बोलू, ओ बोलू, रे बोलू। अबे बावला हो गया क्या? क्या बोलू बोलू लगा रखा है? हैं? और कितना लंके इसको हूं? अरे भाई, आप यहां? राजदीप सिंह धालीवाल, सुना है हमारे इलाके का तू मोर ही बन गया। भाई, ऊपर आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर इनके जैसे लोग आते ही लीडर बन जाते हैं। ये ठीक है यार, हम तो कमाते कमाते मर ही जाएं, सुर्खियों में तो तू ही छाया हुआ है। ऐसे ताने मार मार के तो तू नहीं आने वाला सुर्खियों में, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये दांत दिखाने वाले जो लक्कड़ बग्गे रखे ना तूने, इन्हें तो बाजार में बेचा और जाकर थोड़ी सी मेहनत कर ले। हड्डियों में जान नहीं रही है तेरी, और अगर इसमें तुझे मेरी जरूरत पड़े ना तो हिचकिचाना मत, मैं इसमें तेरी पूरी मदद करूंगा। ज्यादा मत उड़ बेटा, ऐसा ना हो कि मुंह की खानी पड़े। तुझ जैसे लोग बातों के अलावा कर भी क्या सकते हैं? अबे टीके लगाकर अंडर 19 के बच्चों को हराता है, झुर्रियां पड़ गई हैं तुझे। तू गेम छोड़ और अपने लिए नया काम ढूंढ ले, आगे चलकर तेरी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले जितना फैलना है, 8 साल पुरानी यारी है, जो चाहे कर, तुझे माफ है। तू बता छोटे, कैसा चल रहा है तेरा? बस भाई, सब सही चल रहा है। शाम को टाइम निकाल के आ जाना, थोड़ी गपशप करेंगे। तेरी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है इसके पास। कोई ना भाई, मैं आ जाऊंगा शाम को, पक्का। क्यों इन फालतू लोगों के साथ झक मारता है? रॉकी, हिसाब से रहा कर, इनसे बहुत पुरानी पहचान है यार अपनी। मेरी इज्जत है यहाँ कुछ। पढ़ने दे उसको, ज्यादा ही फैला हुआ था।
भोलू रे भोलू, अरे नजरे क्यों चुरा रहा से? अब बात तो सुनकर जा। प्रीत देख तो इसे, यार दो ही तो थप्पड़ पड़े, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रिंग में भी तो सारा दिन मार ही खाता है। अरे ताऊ के छोरे थे, कोई और होता तो बीच में से ना फाड़ देता। ओए भूले, थोड़ी सी मेरे यार, थोड़ी सी तो शर्म कर ले, अभी अभी तो तूने थप्पड़ खाए। नहीं क्या कह क्या रहे थे ताऊ के लड़के तेरे? अरे वैसे ही कह रहे थे, ताऊ के बड़े लड़के की वेडिंग है ना, मैंने कहने लगे चल, तो मैंने कहा हेड इब ट्रेनिंग छोड़ के शादियों में नाचता फिरू मैं बैंड। एक नंबर का निकम्मा है, किसी एंगल से बॉक्सर लगता नहीं है। सरकार के पैसों से तू खाना ठूसता है, बाकी टाइम में तू ताश खेलता है। ओए तेरी काय की ट्रेनिंग? हाँ बस शादी के कामों से भागना है इसको। ओए रिम्पी, हाँ जी, पैक वैक पैक कर लो, ओलू के घर की शादी देख कर आते सब। खड़ा हो। चलो भाई। गणों बुखार, देवी माता की कसम टूट गई रे। हाय भाइयों की तरह राखिया तुझे रॉकी, और तने शिकंजी कह के भर भर के शराब पिला दी रे। अरे माँ, माँ बुला रही है। अरे प्रीता, ओ प्रीता, मेरा बीपी बैठ रहा है भाई, बीपी जा रहा है, पकड़ लो। रिम्पी, गाड़ी कहाँ है? भाई को बोलो कोई चला ले। केला ले ले। केला भाई बन के काट के दे देना यार, नमक मिर्च किट बैग में धरिया है। रॉकी फोन उठा लेना यार। अरे कौन जुलमे सुबह सुबह रॉकी को फोन में ले रहा है? अरे कौन से रॉकी? गुड मॉर्निंग सर। रॉकी कहाँ है? यही है सर, बस जरा बाहर गया है सर। उसे कहना कि अगर नशे का फितूर उतर गया हो तो कमरा खाली कर दे, उसकी ऐश परस्ती के लिए नहीं दिया सरकारी कमरा। जी सर। रॉकी कहाँ है यार? वो जी, वो शादी वाले घर में दीवारों पर कांच जड़ा हुआ था। क्लिनिक में जाकर टांके लगवा ले। हाँ जी। तेरी भाभी फिक्र करती है, कभी कभी मिल लिया कर, और साथ ही तैयार होके नीचे आ जा, यूथ पार्टी वाले इंतजार कर रहे हैं। सफेद कपड़े जंचते हैं तुम पर, मौज भी आज तो खड़ी है। जब मेलों में स्पीकर पर बोलते हो तो तुम्हारी पावर का भुलेखा तो पड़ता ही होगा। मैं सियासत लड़ता हूँ,
एसी कमरों में बैठ के ऊंघता नहीं हो। उसने चेहरा तेरा और जिगरा मेरा फाड़ा है, पर अभी छोटे भाई हमें आपा नहीं खोना। अभी नजरों पर चढ़ने वालों को चढ़ लेने दे। कैमरों की चमक में शिकार नहीं खेलना है। मौका आने पर, सही मौके पर उसकी उड़ान को मैं खुद नीचे लेकर आऊंगा। तैयार होके नीचे आ जा, यूथ पार्टी वाले इंतजार कर रहे हैं। सब आके फाड़ फाड़ के देख रहे हैं हमें। तो फिर से गुस्सा हो गया? क्यों छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता है? तुझे नहीं लगता तेरी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं? मैं तो पहले से ही ऐसी हूँ। उठा भी ले प्रीत। संतरे अमरुदों के बागों में फिरे ढूंढते चोर, गुगिया कबूतरा के बीच में बैठा लाडला मोर। इसी गलत फहमी के चक्कर में कहीं तेरे दिल पे चोट ना लग जाए। तेरे हिसाब से मैं बुद्धू हूँ ना, लेकिन स्पोर्ट्स खेलने वाली सभी लड़कियां दिल हारती हैं मुझ पर। वो तो मैं ही थोड़ा सा बेपरवाह हूँ। जरा देखना उस मोर को। क्या आइटम है ये? अरे तू उसे छोड़ ना, मुझ पर ध्यान दे। अरे रुक तो सही, जरा इस कार्टून को देख तो लेने दे। प्रीत, प्रीत, अरे कौन हो तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़। खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? कोई तो आके छुड़ाओ, इस गरीब को मार देगा ये। हाँ, अब कोई नहीं आएगा छुड़ाने। ऐसे बड़ा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे हमें। भाई छोड़ से। हेलो, सदर थाना पुलिस चौकी, मैं यूनिवर्सिटी से बोल रही हूँ। ओए रुक जा पागल लड़की, फोन छोड़। मेरा पंगों में से निकला नहीं। मेरा फोन दे, छोड़ मेरा फोन। ओए निकम्मो, कम से कम पुलिस को ही फोन कर दो। यहाँ पे कोई मर्द नहीं है क्या? अरे आप लोग अपने अपने काम पर लगो। दीदी तो ऐसे अनशन बोलती है। देख मेरी माँ, मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर चिल्लाना मत। प्रीत तो पगली भाई है मेरा। थैंक यू। ओ दिन दहाड़े लड़की को धमकी दे रहा है। इसको माफी मांग इससे। दीदी, कोई तो सुनो। दीदी ना प्लीज, ऐसे चिल्लाओ मत, पुलिस आ जाएगी। नाच ले तू। अब पुलिस आ जाएगी, रोना बंद कर दे। और गांव में सूखा पड़ रहा, घर बर्बाद हो गए, फल फ्रूट कुछ भी खाने को नहीं बचा। भाई भतीजा सब भूख से रो रहे हैं, सारी फसलें बर्बाद हो गई, सारे पशु मर गए। झूठ नहीं बोल रहा, आंख में आंसू आने वाला है। कोई जगह नहीं देखता है, जहां मन करे मजाक कर मेरी बात कर देता है। प्रीत मेरी बात सुन, क्या कर रहा है? जाओ मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो सभी मैं समझाता हूं। बात सुन, निकालता हूँ तेरी सारी मस्ती, अभी सही करता हूँ तुझे। ओए रुक, ओए मेरी बात तो सुन यार। ओ तेरी रेलवे की नौकरी लग गई मेरे भाई। प्रीत तेरी रेलवे की नौकरी लग गई। मैं अभी अभी डायरेक्टर साहब के ऑफिस से आ रहा हूँ। तूने तो कमाल कर दिया यार। Can I have one cappuccino at my table, please? Yes, ma'am. मुझे एक तुम बियर भी सर्व करते हो? नहीं सर, हम यहाँ सिर्फ चाय और कॉफी सर्व करते हैं। अरे यार, चाय कॉफी से कहाँ तसल्ली मिलती है? कस्टमर तो तुम्हारे बियर वाले हैं भाई। अब कैन आई हैव वन मोर केक दैट हैज सॉरी एट द टेबल? यस श्योर मैम। उस मोर को इस केक में चोंच नहीं मारनी क्या? ओ, वो पागल तो सिर्फ फ्रूट्स का शौकीन है। आज शुक्रवार है तो मंडी लगी होगी, वहीं गया होगा केले वेले खरीदने। ये तो वही है ना, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है। ओए घर पे खुशखबरी दी कि नहीं? नहीं यार, रात को बात करूंगा। अबे कैसा निर्दयी आदमी है तू। घर में इतनी सारी खुशियां आई हैं, बहनों को कितना अच्छा लगेगा कि भाई की नौकरी लग गई है। चल मैं एक काम करता हूँ, घर बात कर ही आता हूँ। हाँ तू जा, हम यहाँ तेरा वेट करेंगे। केक तो तूने ही काटना है। वो लड़की कौन है? कौन? यही जो आके इतरा रही है। फ्रेंड है हमारी। हमारी? हाँ है तो, प्रीत की। फ्रेंड कैसे हुई? फ्रेंड्स कैसे होते हैं, ये जैसे हम आए हैं चाय कॉफी पीने। पर ये तो शहर वाली है। मेरी बात सुन, ये जो शहर वालियां होती हैं ना, इन्हें देसी लड़के ही पसंद आते हैं।
और ये तो प्रीत के प्यार में पागल हो गई। अब अपना भाई कुछ ऐसा है, सब दीवानी हो जाती है उसकी। तू ना जाने दे, तू बस ऐसी बातें बनाता रहता है। अरे बातें क्यों बनाऊंगा। सर वो मैम ने आपके लिए भेजा है। अब ये सॉरी क्यों बोल रही है रॉकी? कुछ तो बोल, बता भी दे। अच्छा सॉरी, मैंने तेरी बात का यकीन नहीं किया। रॉकी रॉकी देख, मेरा सब्र टूट रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मेरी बात सुन ध्यान से, प्रीत है अपना भोला भाला, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तू पूछ रही है इसलिए बता रहा हूं, ये लड़की और प्रीत 2-4 महीने साथ में थे और इनका चक्कर भी सही चला। फिर हो गया प्रीत किसी और के साथ। अब प्रीत है अपना सच्चा, प्रीत ने कर दिया अपने पत्ते शो, पत्ते थे अच्छे। अब तू बता, कभी चिड़ी की दुक्की ने हुसन जबान फिसल गई, हुक्म की बेगम से दांव जीता है? ये तो बेचारी उसकी भोली बातों में आ गई, ये खुद देख ले अभी भी उसे मनाने की कोशिश में है। और कभी केक वेक से भी किसी का टूटा हुआ दिल जुड़ा है? ले जा ले जा ले जा, कबाब में हड्डी सुना था, केक में हड्डी पहली बार सुना। अब कान खोल के सुन और गांठ बांध ले इस बात को, ये जो तू चाले चल रही है ना, एक भी काम नहीं आने वाली। अगर तूने दोबारा ऐसा कुछ किया ना, तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, भोला मत समझना मुझे। रॉकी अब बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ तेरा क्या हो गया मेरी जान? तुझे सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम बदल देना। ओए प्रीत, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। ओ प्रीत, मेरी बात तो सुन यार। ओए, होती है। मेरी फाइनल असाइनमेंट थी, तूने क्या कहा उस पागल को? जरा तमीज से बात कर, प्रॉब्लम क्या है? वो क्या बकवास बोल के गई है, तूने क्या कहा मेरे बारे में? मेरी बात सुन, तुझे मैं जानता नहीं हूँ, उसे मैं आज ही मिला हूँ, तो तुम लोग आपस में निपट लो। तू बहुत बड़ा स्टार है, स्पोर्ट्स हॉस्टल में होगा, शहर मैं नचाती हूँ उंगलियों पर, मेरी पूरी कुंडली निकाल रखी है। तेरे को तो अब मजा चखाऊंगी मैं। ये नखरा ना शहरी लोगों के सामने दिखाना, इतनी तो तेरे अंदर हड्डियां नहीं है जितनी मैं तोड़ चुका हूँ। जट्टी की हड्डी है, हिम्मत है तो तोड़ कर दिखा। भैये बात सुनो बेटा, यहां आउटसाइडर अलाउड नहीं। आई नो, यहां खेलने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। तुम्हारे पास परमिशन है? या किसने दी परमिशन? रॉकी ने। हुँ? हुँ? एक बार
बात और, रॉकी ने कहा जब भी मेरा दिल करे मैं यहाँ पर आकर खेल सकती हूँ, मुझे कोई भी तंग नहीं करेगा। क्यों भाई? सर कसम से मैंने नहीं। कैसे हो? ठीक हूँ। कॉलेज के लिए चल के जा रही हो? गाड़ियों का शौक उतर गया क्या? चलने का शौक चढ़ गया, दोपहर अच्छी है तो सोचा थोड़ा सा चल लूं। दोपहर तो वाकई अच्छी है पर गाड़ी में कुछ ज्यादा जस्ती हो। आओ बैठ जाओ। नहीं मुझे चल के ही जाना है। क्या हुआ, दो घड़ी के बोलचाल की भी रॉकी ने गुंजाइश नहीं छोड़ी? शट अप लूजर। वैसे तेरे घर वाले मिले थे अमन की शादी में? हाँ मॉम ने बताया था मुझे। उनसे काफी देर तक बात होती रही, बातों बातों में पूछ रहे थे तेरे बारे में। डरना मत, मैंने रॉकी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बताऊं भी क्या, दूसरों पर डिपेंड रहने वाला इंसान, हॉस्टलों की झूठ पर पला साला, दो कौड़ी का बदमाश। मनिंदर गाड़ी रोक, मुझे उतरना है। आई सेड मुझे गाड़ी से उतरने दो। तेरे सारे नखरे मैंने झेल लिए पर एक बात कान खोल के सुन ले, आंधी सिर्फ और सिर्फ धूल ही उड़ाती है, कभी मौत नहीं चूमती। रॉकी, छोड़। बलजीत लगी तो नहीं? बहुत बार तुझे समझा के देख लिया, हर तरफ से मैंने दिमाग खपा लिया पर तुझे किसी का कोई ख्याल नहीं। हर तरफ से सेलेक्टर्स का दबाव पड़ रहा है कि तुझे कॉमनवेल्थ के लिए चुना ना जाए। अगर वो तुझे इस तरह बेकाबू हद से बाहर होते देख लेंगे तो उसी वक्त टीम से निकाल देंगे। हर बार तेरी हर गलती पर पर्दा डाला पर तू क्यों नहीं सुधरता? गेम के दायरे में दम घुटता है ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बदमाशी से कुछ हासिल नहीं होने वाला। बेहतर है सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। कोच सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। जब से मैं यहाँ कैंप में आया हूँ प्रीत दविंदर जैसे लोगों के करीब हो गया है, गेम में भी उसका खास ध्यान नहीं लगता, मेरा क्या होगा पता नहीं। और दविंदर जैसे लोगों को तो आप जानते ही हैं,
नया नया तेरे साथ से छूटा है, सुधर कर वापस आ जाएगा। वैसे मैं प्रीत को जानता हूं, प्यारा बच्चा है वो, पर दिमाग का कच्चा है सर, अपना भला बुरा नहीं जानता। तेरे जैसा सिरफिरा नहीं है वो, मेरी बात मानेगा, मेरे पास भेजना उसे। दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अगले हफ्ते कॉमनवेल्थ टीम की फाइनल सिलेक्शन है। राजदीप, जिस देश को तू हमेशा तलाशता रहा है वो कहीं तेरी ही परछाई में छिपा है। अपने जुनून की आग में उसे और मत जला। अपने को अपनी माथे की लौ बना राजदीप। क्या सोच रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ। कुछ नहीं। तू हर बात मुझसे छिपाता क्यों है? तुम हर बात में इतनी गहराई तक क्यों चले जाती हो? साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मेरे नेचर में है। एक बात पूछूं? अगर ना पूछो तो ये अच्छा है। वैसे यूनिवर्सिटी ने तेरा एक नाम रखा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राजदीप रॉकी बोलते होंगे? नहीं, कुछ और। राउडी। क्यों कहते हैं? ये कौन है? श्रद्धालु है। कुछ काम है, चल मेरे साथ। अपने झमेले अपने आप निपटाओ। अरे झमेला नहीं, बड़ी पार्टी है। अपने साथ में ये जो तूने चमचे रखे हैं ना, इनसे कह कि कोई ढंग का काम करे। रॉकी यार अब छोड़ दे, विक्रम भाई 30-35 लोगों के साथ खड़े हैं। प्रीत को अपने से दूर रखने को कहा था ना तुझे? रॉकी, ये कौन सा इतनी जल्दी मेरे कहने पर मान जाएगा? 8 साल पुरानी यारी है, नहीं मानेगा। 8 साल तू मेरा अंगूठा चूसता रहा, अब मैं तेरा और लिहाज नहीं करूंगा। अब तू किसी और को देख ले। लड़की के चक्कर में मर्द कमजोर पड़ जाता है, क्यों कसम खाई है क्या? भाई मैं बात करता हूँ। देख रॉकी, भाई बनकर आज आ जा, बस आज के लिए। सच कह रहा हूँ, आज उसके चीथड़े उड़ा देंगे, मेरी बात मान ले भाई। आज नहीं प्रीत, अब और नहीं। झगड़ा कोई बुलाई हुई माशुका नहीं है, जिसे घुमाया फिराया और छोड़ दिया। दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसे आखिरी दम तक नहीं छोड़ा जाता, और जो पीछे हट जाता है उसे जाकर चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। चल प्रीते। प्रीत कहीं नहीं जाएगा। रॉकी मेरा हाथ छोड़, तेरी दोस्ती मैंने बहुत देख ली। राजदीप सिंह धालीवाल, प्यार की दिलेरी तो खा गया तू, पूरी उम्र बेचारे को जूते के नीचे रखा, अब तो इसे खुलकर जीने दे। तू हम दोनों के बीच ना आए तो ही ठीक रहेगा, वरना बहुत पछताएगा। बाद में कहना नहीं, मौका नहीं दिया। रॉकी हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़, बाप मत बन मेरा। रॉकी बिहेव, प्रीत को छोड़ दे, लेट हिम गो। अगर मिन्नत ही करवा के मानेगा तो तेरे पैर पकड़ लेता हूं। रॉकी मेरी दोस्ती का फायदा बहुत उठा लिया, अब नहीं नाचूंगा मैं तेरे इशारों पर। यार रॉकी अब कोई बच्चा नहीं है, तू ठीक से पेश आया कर उसके साथ। और मैं तेरा यार नहीं, मुझ पर कभी कोई हक मत जताना। रॉकी तुझसे प्यार भी बहुत करता है, वैसे है तो वो एक नंबर का ढीठ, पर तुझ पर अपनी जान लुटाता है। क्या मैं नहीं लुटाता? पर आज मुझे बहुत बुरा लगा है। अरे क्या हो गया बॉक्सर, तेरी आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू क्यों गिर रहे हैं? हाँ? सब ठीक है ना? कभी हवा में मुक्के चलाता है,
और कभी खुद के ही दोस्त के मुक्के खाता है। समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह का बॉक्सर है। तू ना बस अपना मुंह बचा के रखियो, ऐसा ना हो तुझे मुक्का पड़ जाए। हाय मर गया, खरोंच मार गई यार, पटाखा देख तो सही तू। ओए कमीनो, क्यों बेकार में छेड़ रहे हो इस बेचारी को? इस बेचारी को कुछ भी बोल दो ये उफ तक नहीं करता। अच्छा तो फिर आज क्या हो गया कि लड़कियों की तरह रोने लगा? ये जो है ना इंडिया का प्लेयर है, इसके जैसे को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। ओए तेरे जेब में कुछ माल वाल है कि नहीं? मेले में जाने की बात करता है। अबे तू चुप कर यार, रेलवे के बड़े साहब हैं, इनकी शान के खिलाफ कुछ नहीं कहना है। तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? एक बंदे को सबक सिखाना है भाई, मनिंदर शेरगिल नाम है उसका। अपने झमेले अपने आप निपटाओ। भाई मेरा रॉकी से अब कोई वास्ता नहीं है। सारी उम्र उसी की उंगली पकड़कर चला है ना, एक बार और पकड़ ले। सारी उम्र आपके साथ भी तो खड़ा था भाई। अच्छा आज बड़ी यारी दिखा रहा है तू? मिन्नतें मत करवा भाई, आज मदद कर दो, कल जहां आप कहोगे वहां जान दे दूंगा। 8 साल पुरानी यारी है भाई। तो क्या तुझे गोद में उठा लूं? अगर इतनी ही जरूरत है तो जा उसके कमरे में जाकर उसे उठाकर यहां ले आ, जो दाम बताएगा मिल जाएगा। बाज आसमान में पंख फैलाते हैं, बेकार में नहीं चिल्लाते। शिकार खरोंच कर सिर्फ बाज ही खाते हैं। और अपने यार की तरह अकेले भौंकते मत रह जाना, चू चू करता रह जाएगा और लोग पत्थर से मारेंगे। मैंने कहा ही था कि तू गद्दार निकलेगा। गद्दार मैं नहीं, प्रीत हो गया है, गीदड़ों की टोली छोड़कर शेर के साथ मिल गया। न्योता तुझे भी भेजते पर तू एक नंबर का ढीठ है। अपनी जवानी पर तो तूने ठंडा पानी डाल दिया, जब अकल ठिकाने आएगी दुम हिलाते आएगा मेरे पास। यार ही यार का साथ देता है, चल तुझ पर अपनी यारी का टीका लगा ही देते हैं। अपने पे आई तो अपना असली रंग दिखाई दिया ना तूने रॉकी। प्रीत ये क्या बचपना है यार, जान है तू मेरी। तेरी जिद तेरा अखर स्वभाव है, और मेरी जिद बचपना। मेरा आज तेरा, अतीत तेरा, फैसले यारियां सब पर तो तेरा ही हक है। मेरी जान तो मेरी रहने दे, मेरे जीने और मरने का हक तो मुझसे मत छीन। प्रीत प्रीत प्रीत, प्रीत, ओए प्रीत, दरवाजा खोल यार, मेरी बात तो सुन। दरवाजा खोल यार। हाल ही में इंडियन बॉक्सिंग कोच बने वरियाम सिंह सेखों ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, जब उन पर कॉमनवेल्थ टीम के खिलाड़ियों को गैर कानूनी पदार्थ देने का इल्जाम लगा। इन पदार्थों पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने सन 2008 में सरकारी रोक लगा दी थी। वरियाम सिंह सेखों का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल टीम सिलेक्शन से कुछ ही देर पहले एक शर्मनाक डोपिंग स्कैंडल में सामने आया। पदार्थ मलेशिया से मंगवाए जाते थे और कुछ चुनिंदा चहेते खिलाड़ियों की जानकारी के बिना उनकी खुराक में मिला दिए जाते थे। NSI ने इस सिलसिले में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। स्टेडियम में ना आए भाई, फोन भी नहीं उठा रहा। कोई छोरी के साथ लपजू लपजू तो नहीं कर रहा है? जा उसके कमरे में देख कर आ। रॉकी तू ठीक तो है ना? हे हाय, पूरे जोकर हो।
What's up? Ready to rumble? तुझे क्या हुआ? रॉकी क्या हो गया? मैं टीम इंडिया के लिए नहीं खेलूंगा। नहीं खेल रहे क्या मतलब? अभी तो फाइनल सिलेक्शन होना है ना? मेरी नहीं होगी। तुझसे किसने कहा? अच्छा चल, इतनी सी बात पर उदास क्यों हो रहा है? मैं तेरा सिलेक्शन करवा दूंगी, ठीक है? आई नो द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आई टॉक टू हिम। मुझे किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही। आई जस्ट वॉन्ट अ हेल्प। मैंने हाथ फैलाया क्या? अपनी वेट कैटेगरी में इंडिया का तू बेस्ट प्लेयर है, टीम में खेलना तेरा हक है। अगर तेरा सिलेक्शन हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है कि कैसे हुआ? हक गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता, समझ गई? मेरी बात सुन, मैं प्रीत नहीं हूँ कि जो कहोगे सुन लूंगी। तुझे जो करना है कर, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। लिसन, आई एम सॉरी, पर तेरे से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो सिर्फ तेरी मदद। बात मत लगा। इबादत, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। हाथ मत आना मेरे। इबादत, हाथ मत लगा मुझे। लीव, लीव, जा, जा, चला जा। बोथ प्लेयर्स कम फॉरवर्ड। नो हिटिंग बिलो द बेल्ट, नो क्लिंचिंग। आई वांट अ क्लीन फाइट, ओके? रिंग के चारों कोनों में गुजरी जिंदगी नहीं होती, रिंग के बाहर की जिंदगी कभी कभी ईद मना ही लेती है। आदमी भले कितना भी बहादुर हो, हार जिंदगी के लिए, खेल के लिए अहम है। हार जीतना सिखाती है। राजदीप, तुम इस मुल्क के सबसे बढ़िया बॉक्सर हो, पर तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी बच्चे। तेरा रवैया हर घर में इंडिया लेवल स्पोर्ट्समैन का होना चाहिए। अनाड़ियों वाली लापरवाही तुझे शोभा नहीं देती। लोग तुम्हारी मजबूती देखना चाहते हैं, पर तुम गिरना मत बच्चे। रॉकी,
रॉकी, अपना भाई मर गया। तुझे सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम बदल देना। तुझसे भी ज्यादा मैं चाहता था उसे। मुझे घर छोड़ दे। रॉकी के यहां नहीं जाना। मैडम जी, लड़के का नाम क्या है? रॉकी। रॉकी क्या? राउडी। जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। मंत्री साहब को तो समझाने की मेरी औकात है नहीं। अगर आप ही निपटा लेते तो इस आफत से छुटकारा मिल जाता। औकात तो तेरी मुझसे सलाह मांगने की भी नहीं है। अब जल्दी काम शुरू कर, वकीली मत छोड़ना, समझे? रॉकी, जिंदगी जैसी भी है बिल्कुल मस्त जा रही है। बस कभी कभी डर लगता है इसको किसी की नजर ना लग जाए। अबे तू भी ना ये सब सोचना छोड़ दे, तेरा भाई है ना, सब संभाल लेगा। मैंने सीरत को शादी के लिए मना लिया। अबे कौन वो पागल लड़की? बहुत बड़बोली है यार वो। ओए उसके बारे में कुछ मत बोलना। प्यारे लगोगे साथ में, एक बातू नहीं एक भोला भाला। कॉमनवेल्थ के बाद तू इंडिया का स्टार हो गया। एक रेलवे वाले की शादी में आएगा? अबे शादी तो मुझे भोलू के ताऊ के छोटे लड़के की भी देखनी है। तू तो मेरी जान है, मेरे बगैर शादी करेगा? अगर जिम में लोहा तोड़ना और प्रोटीन के डब्बे खत्म करना कोई बड़ी बात होती तो इलाके के सभी लोग तेरे गले में माला डालकर तेरे साथ फोटो खिंचवाते। पर अगर कोई तुझे अपना काम करवाने के लिए पूछेगा ना तो तू पूरे इलाके में मेरी इज्जत नीलाम करवा देगा। साफ साफ बताओ ना, रास्ते को साफ करने के लिए मैंने सारे पत्थर हटा दिए थे। शेरगिल के लहू बहाने वाले का मैंने कतरा कतरा लहू बहाना था, पर बड़े भाई की बात अब छोटे भाई को कच्ची लगती है। अगर झटके में निपटारा करना था तो एसएसपी को फोन करने की क्या जरूरत थी, अपने आप ही उसका निपटारा कर देते और काम हो जाता।
ने बात नहीं मानी। बात रोके को मारने की नहीं हुई थी, तुझसे भी ज्यादा मैं चाहता था उसे। गोल्ड जीतने का बड़ा शौक था। 8 साल पुरानी यारी थी, सियासी चाल लगता है आपने सीखा नहीं शेरगिल साहब। सियासत वालों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, नाचने लगते हैं। तेरे जिस्म को तो मैं जेब में लेकर घूमता हूं, बात ये नहीं, मसला ये है कि शासकों का शिकार कोई गिल्ली डंडे का खेल नहीं। अपना ये भाषण अपने पार्टी वर्करों के लिए बचा कर रखो शेरगिल साहब। आपके इस भाषण से हम नहीं डरा करते, जो आप चाहते थे वो तो आपको मिल ही गया ना, अब उनका काम तो तमाम हो ही गया। अब कलम कानून वाले आएंगे कातिलों का पता लगाने, तो गिल साहब चौकस हो जाओ, इस बार कोई चूक नहीं। कुर्ते पर सिलवटें आ रही हैं, कहीं तुम पे ना आ जाए। यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट के साथ बलात्कार करने की कोशिश का दोष है। जब लड़की ने रॉकी का विरोध किया तो रॉकी ने बेरहमी के साथ लड़की के साथ मारपीट भी की। पंजाब के नौजवानों के लिए बना एक प्रेरणा चिन्ह, आज पंजाब की उम्मीदें तोड़कर सभी पंजाबियों का सर मुल्क और मनुष्यता के आगे झुक गया। आइए बात करते हैं। रॉकी, अगर आपको अपने किए पर थोड़ा भी पछतावा है तो पंजाब के लोगों को बताइए, जिन्होंने आप पर भरोसा करके आपको शोहरत दिलाई है। जिस लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की उसके आपके साथ पुराने कैसे संबंध है? बॉक्सर, गैंगस्टर या रेपिस्ट, इस वक्त कौन सा किरदार है जो आप पर सबसे ज्यादा हावी है? क्या यह हरकत वरयाम सिंह सेखों द्वारा परोसे गए गैर कानूनी पदार्थों का नतीजा है? रॉकी जी, हेलो, प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। हमारे बुजुर्ग कहते थे, अगर आंधियां आए तो आफत आ जाती है, जट अगर अपनी पे आए तो किसी की नहीं सुनता। इंद्रपाल जी, मुश्किलें इंसानों पर ही आती हैं, दिल छोटा मत कीजिए। पर बच्चों के ऊपर जो आई है उसका तोड़ क्या निकालें? माँ बाप तो वैसे ही बेबस हो जाते हैं। इबादत को देख लो, वो कुछ बताती नहीं है, अपने आप को बंद करके रोती रहती है। आप तो मेरी चिंता को समझ ही सकते हो शेरगिल साहब। जहाँ हमारे करीबी साथ छोड़ना चाहते हैं, वहाँ आप हमसे साथ जोड़ना चाहते हैं, पर हम इबादत से बात किए बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। इबादत? What's wrong with you? शेरगिल जी, मैं अपनी बेटी की गुस्ताखी के लिए थोड़े तो माफी मांगता हूँ। बैठ जा बेटी, बैठ। मनिंदर पुत्र, मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मेहनत मशक्कत करने वालों के वारिस कभी हार नहीं मानते, सिर उठा के जीते हैं पर झुकते नहीं। बेटी भी यहीं पर है, सारी बात कर लो, जायज नाजायज का जायजा लेना भी जरूरी है, और अहम है कि आप हमारे बारे में कोई दो राय ना रखें। और फिर बेटी का रिश्ता हम छोटे के लिए लेंगे।
यहाँ साइन कर दो। अच्छा जी, सत श्रीकाल। हाँ ठीक है, क्या देगा नाम? राजदीप सिंह। राजदीप सिंह। रॉकी बॉक्सर है। बे ससुर के नाती, अभी 4 दिन नहीं हुए दामाद को ससुराल आए, हमें उसकी थोड़ी खातिरदारी करने का मौका तो दो। और कभी यहाँ माँ आ जाती है, कभी उसका दादा। बंदे का पुत्र बन और भाग जाए यहाँ से, वो अब किसी से नहीं मिलने वाला। और बहुत हो गया मिलना मिलाना, चल भाग यहाँ से। क्या हुआ चैंपियन, धक्का तो नहीं लगा? एक मिनट, मारना धक्का। अच्छा लगा 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 रे साले को, काटा लगा। तेरा भला हो जाए, किस वक्त धक्का दे दिया, चला गया। कसम ऊपर वाले की, तुझे ऐसे बैठे देख शांति बढ़ गई मन में यार। मेरे प्यारे दोस्त, तेरा ये भूलापन बहुत ही प्यारा लगता है। लोग तो वैसे ही भूखे हैं, ऐसे ही स्वाद लेते हैं। कहते हैं कि रॉकी पागल सा हो गया है, सारा दिन नाखूनों से दीवारें खरोचता रहता है, खामखा गिरे हुए को लतारते हैं। इबादत और मैं शादी कर रहे हैं, ये पहला कार्ड है सिर्फ तेरे लिए। अरे उठाकर देख तो ले रे। अबे निठल्ले, इतनी ऊंची जगह बैर करने का थोड़ा तो उधार चुका दे, मुक्का नहीं तो एक आध गाली तो दे दे। या मान ले रॉकी, तू नामर्द है, तलवे चाट मेरे। शायद अपने यार की मौत ना मरे, पर मेरे आगे मिन्नतें तो करनी ही पड़ेगी। चल जल्दी बता क्या करना है, और साथ ही एक आध बल जो रह गया तेरे अंदर, वो जेल में मेरे पालतू तेरे में से पटक पटक कर निकाल देंगे। तो बस अपने चीख को दबा के रखना। सुना है तेरे यार ने बड़ी लंबी लंबी फेंकी थी? बड़े तलिंदर लोग हैं, बड़े वीर हैं। मैं बताओ, बेचारा लड़का टपका दिया। पर तू बिल्कुल मत डर, जुबान दिए तुझे, तेरे यार की मौत बिल्कुल नहीं मारेंगे तुझे। तेरी सजा तो और भी सख्त है करेंगे। सदके जाओ यारा तेरे जिस्म पर। उफ, क्या बात है,
तुझे पता है सभी तेरा नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं। उफ। अच्छा कल शेरगिल का ना भाई आया था, तेरी कमर देखने को ना कह रहा था। इस दिल को मैं क्या समझाऊं जो तुझ पे आके रुका है। सब जैसे दोस्त को मार दिया। साला लुच्चे को अपनी करनी तो भरनी ही थी, हम लोग तो तेरे ही साइड हैं भाई। देख भाई आगे मत बढ़ना, हम तीनों ने कोई कदम नहीं उठाना। देख रॉकी भाई मैंने कुछ नहीं किया। भाई यार तो मेरे साथ खड़ा तो हो जाए, क्या कर रहा है? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। सारे मुझे राउडी कहते हैं, पूछ तो लेना था क्यों कहते हैं। जी हम पहुंच चुके हैं और बात करते हैं रॉकी के साथ। रॉकी आप हम सबको ये बताइए कि आप रॉकी न चेहरे पर शर्मिंदगी न आंखों में अफसोस, चाल गर्वीली और नजरें धारा 394 को चुनौती देती, कुछ इस तरह के हाव भाव थे मुजरिम रॉकी के जो अभी ही कोर्ट में दाखिल हुआ है। स्पोर्ट्स हॉस्टल की आड़ में लड़कीबाजी और अपनी बदमाशी की दुनिया में अपनी धाक जमाने वाला राजदीप सिंह उर्फ रॉकी आज अपनी सफाई देने के लिए पटियाला कोर्ट पहुंचा हुआ है। राजदीप सिंह मुझे नहीं लगता तुम इस केस को लेकर बहुत सीरियस हो, अगर होते तो तुम्हारा पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए था। बराड़ साहब जिस नेशनल चैंपियन के लिए आप लड़ रहे हैं उसे अपने जुर्म का पछतावा तो क्या, अपने जुर्म का एहसास तक नहीं है। हल्दी लगने के बाद अच्छे घरों की लड़कियां अपने होने वाले शोहर को नहीं मिलती और तू ना समझ अपने यार को मिलने चली। ढलता जा रहा है तेरा, तेरी हल्दी तो तेरे यार के खून के साथ ही लगाएंगे, फिर देखना कैसा चमकेगा मेरी प्यारी सरकार का हुस्न। भाई रॉकी तेरी, भाई आपकी डिस्क तो आसमान की परियों को चूम कर ही वापस आती है। ये हुई ना बात, तैयारी कर ले कहीं कमजोर नहीं पड़ जाना।
अब बताता हूं। ओए छोटी छोटी बातों पर नाराज मत हो डार्लिंग। ओए मुश्किल वक्त पर तलवारें भी झेलनी पड़ जाती हैं। और फिर ये तो सिर्फ बोल बचन था। अरे कुछ बोल, बता क्या करेगा तू शेरगिल के साथ? तेरी दुश्मनी का राज तो बता दे। नहीं, सांप सूंघ गया क्या? बात हुई थी मेरी मनिंदर शेरगिल के साथ, तेरे बारे में भी मैंने बात की। रॉकी के साथ तेरी कोई पुरानी लड़ाई है? अब बता भी दे प्रीते, असी की करा? मनिंदर शेरगिल 2 मिनट में फैसले लेता है। गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। सुर्खियों में जाएगा। ओए नहीं, ओए छोड़ दे, ओए छोड़। 8 साल पुरानी यारी है, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दूंगा। एक रात में आप गोरे तो नहीं होने वाले। अब देखना, कल ही तो फ्लाइट है भाई की, और आज क्रीम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अगला क्रीम लगाकर कॉमनवेल्थ जा रहा है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया। भाई फेशियल करवा ले, अलग रंग चढ़ के चेहरा चमकने लगेगा। चलो भागो यहाँ से भूतनी के, कहीं तुम्हारी गंदी शक्ल का रंग ना चढ़ जाए मुझ पर। अच्छा ठीक है भाई, आप क्रीम रगड़ो, कल सवेरे मिलते हैं। गुड नाइट। मैं सब कुछ हार गया कोच साहब, क्या जिंदगी और क्या खेल। अब बताओ कोच साहब, किसके लिए जीतूं मैं? (स्थाथ)
जीत, वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है कोच साहब, मुजरिम बना दिया मुझे। ना बच्चे, ऐसे हार नहीं मानते, हम कल पुलिस के सामने सरेंडर कर देंगे। तुझे वहां से भागना नहीं चाहिए था, हम कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे। लड़ना तो मैंने रिंग में ही छोड़ दिया था कोच साहब, जीत हार खिलाड़ियों के लिए होती है, मरना मारना मुजरिमों के लिए। कानून को मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मरना मेरी किस्मत में नहीं। मेरा भांजा है जी राजदीप, ये और इसकी माँ मेरे साथ रहते हैं। इसकी माँ ने बहुत दुख झेले हैं जी, घर वाला शराब पी पी के मर गया और बड़ा बेटा बदमाशी में, बस अब नाम जप रही है और दिन काट रही है। राजदीप उसका भी कहा नहीं मानता और मेरी भी बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है, घर च भी स्कूल च भी पिंड च भी। अगर सही रास्ता नहीं दिखाया तो ये भी अपने भाई की तरह अपनी और अपनी माँ की जिंदगी उजाड़ देगा। अब आप ही कर सकते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो राजदीप? छठवीं क्लास में। स्कूल में दिल लगता है? क्या आप रेसलिंग सिखाते हो? रेसलिंग बहुत पसंद है। माँ घर पर देखने नहीं देती, महेंद्र के घर पर देखता हूँ। आज यहाँ कोई आया नहीं लड़ने? ये बॉक्सिंग है बच्चे, ये लड़ी नहीं खेली जाती है। चोट तो लगती होगी। हाँ कभी कभी छोटी मोटी। आपके लोगों को भी? चोट लगने वालों को आप क्या सजा देते हो? मैं सजा नहीं देता बच्चे, मैं तो खेल सिखाता हूँ। मेरा भाई तो मेरी इतनी पिटाई करता था जब मैं मार खा के आता था। मेरे भाई को किसी शेरगिल के आदमियों ने 8-8 गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया था। बॉक्सिंग सीखकर क्या मैं उन लोगों से बदला ले सकता हूँ? लगा फोन। अरे उठा भी ले। क्या बोल रहे? अरे ये टैक्सी वाले ने मेरी जान खा रखी है यार। मेरे से पत्थर पे लिखवा ले, क्रीम ही लगा रहा होगा। हाँ ऊपर ही जाके पकड़ते हैं। चल चल आ जा। ओ, 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 भाई 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 भाई, 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 भाई। हेलो सर, पाठ कर रहे हैं। कैंपस में दो लड़कों की लाशें मिली हैं। देख रहे हैं, आज दो लड़कियों की लाशें लटकी हुई पाई गई हैं। इस कदर बेरहम कत्ल शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कॉमनवेल्थ के लिए जा रहे बलजीत सिंह को जहां करीब 30 फीट की ऊंचाई से लटकाया गया है, वहीं दूसरी ओर देवेंद्र नाम के स्टेट डिस्कस चैंपियन को करीब 250 फीट की स्टेडियम के ऊपर से। पुलिस का कहना है कि कल कोर्ट से फरार हुआ मुजरिम रॉकी इन दोनों ही कत्लों के पीछे है, और दूसरी ओर पटियाला एमपी ने भरोसा दिलाया है कि आज शाम तक मुजरिम को हिरासत में ले लिया जाएगा। हे, 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 हे।
मनिंदर भाई ने सभी लोगों को रॉकी को ढूंढने के लिए लगा रखे हैं। मनिंदर कहाँ है? वो बाहर है। मनिंदर, कल शादी है तेरी, घर पहुंच बेटा। रिश्तेदार इंतजार कर रहे होंगे। उनसे कहिए भैया इंतजार करें, मनिंदर तो आज दुश्मन को मारकर पूरी रात जश्न मनाएगा। रॉकी तो कुछ बोलता क्यों नहीं? अब बोलने के लिए बचा क्या है? जो कुछ होना था हो गया। तुझे मेरी कसम है, मुझे कहीं ले चल, मैं मर जाऊंगी। मुझे मनिंदर से शादी नहीं करनी। काश तुमने तब मनिंदर का साथ नहीं दिया होता तो ये दिन आता ही नहीं। रॉकी, आई एम सो सॉरी। तेरे कॉलेज में मुझे लोग एक नाम से बुलाते थे, तुझे पता है ना वो नाम क्या है? अपने अपने दोस्तों को बचाने के लिए सारे इकट्ठा हो जाते हैं। चार चार लोग मिलके एक को मारते हैं। ऐसे होते हैं जाट, और ऐसी होती है जाटों की दुश्मनी। कोर्ट कचहरियों के फैसले तो कई बार रुक जाते हैं, पर मौत के फरमान सिर्फ दुश्मनों के मुंह से निकलते हैं। अरे यारो, कहीं जीप तो काट नहीं दी इसकी? देखो ना, अब तक भौंका भी नहीं है। वैसे तो तेरी फटी पड़ी है, लेकिन भौंकना तूने अब भी नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं चटपना। शिकंजे में आकर भी इसकी गर्दन ऊंची क्यों ऊंची है? अरे थोड़ी तो गर्दन झुका के शर्म कर ले रावड़ी, साथ ही अकल ठिकाने आ जाएगी। कौन शिकंजे में आता है और कौन ले आता है, सब नजरिए का फर्क है। गर्दन झुकाकर मुझे ढूंढता, तू आया है मेरे पास मौत का फरमान हाथ। Come on!
अपने भाई की चिता को मैं अग्नि नहीं दे पाया था। शेरगिल, ये हिसाब तो बराबर हुआ। तीनों को मार दो। रुको, लड़की को मेरे पास लेकर आओ। एक और बना भाई। रिश्ते जख्मों पर मलहम नहीं लगवा रही। रॉकी, छोटा भी इसी तरह ही जिद करता था। रॉकी, छोटे की चीखें अंधेरे में कहर मचा रही हैं। जिस तरह का तू चाट, वैसा ही मैं चाट। कल का आने वाला दिन ये नहीं देखेगी। बचा सकता है तो बचा ले। हड्डियों से मांस नोचने के लिए मेरे वाले भी इंतजार में हैं। जाओ पकड़ो से। आज मड़के वांगू मड़के वांगू पूंजते नी मैं बढ़े बली। आज मड़के
मार दो इसको। जान से मार दो कमीने को। रॉकी, तू ठीक तो है ना? मुझे पता था तू जरूर आएगा। रॉकी, रॉकी, रॉकी। तेरी इतनी हिम्मत हो गई? कौन सा रॉकी? उठ, उठ, उठ। रॉकी, ओ यारा, इंडिया के स्टार की जान है ये जान मेरी, ऐसे ही थोड़ी निकल जाएगी। बस प्रीत, अब और नहीं। क्या उस रात के बाद रॉकी ने कभी कांटेक्ट किया या कहीं और से उसकी खबर? कहीं से भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। कल रात पुलिस ने फायरिंग में एक लड़के को शूट किया है, पुलिस उसकी बॉडी नहीं दिखा रही है। पुलिस को रॉकी मरा हुआ नहीं सुहाता, और मरना मेरी किस्मत में नहीं, और मरना उसकी किस्मत में नहीं।